come to mixed numbers. Here is an example in front of you. Shakil and his friends are 8-7 slices of pizza. A whole pizza is cut into 4 equal pieces. How many pizzas did Shakil and his friends eat? Look at the pictures. A pizza consists of 4 parts. Here are 7 parts. This means a whole pizza plus 3 parts. आप next diagram को देखिए. एक pizza के अंदर 4 parts चले गए और दूसरे pizza में से भी 3 parts खा लिए गए हैं. इसका मतलब है one whole और next में denominator 4 और numerator 3. One whole 3/4. इस डायग्राम को आप फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे 1 whole 3/4. सो कम्बिनेशन ऑफ अ होल एंड प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन. आप पूछेंगे कि प्रॉपर फ्रैक्शन, तो स्टूडेंट्स जिस फ्रैक्शन के अंदर न्यूमिरेटर स्मॉलर नंबर होगा डिनोमिनेटर बिगर नंबर होगा दैट फ्रैक्शन विल बी प्रॉपर फ्रैक्शन. 3/4 प्रॉपर फ्रैक्शन है. वन जो है वो 4 पार्ट्स में कट किया गया एक पिज़्ज़ा और 4 के 4 ही खा लिए, 4 पार्ट्स में ही कलर आ गया. इसका मतलब है एक्चुअली ये है 4/4, 4/4 इसका मतलब 1 है. 1 whole 3/4, सो इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ अ होल एंड प्रॉपर फ्रैक्शन विच इज़ कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन. नाउ कम टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. ये मिडल में देखिए, यूज़ द नंबर ऑफ इक्वल पीसेस टू राइट एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. आपके पास 7 पार्ट्स थे जो कि शकील और उसके फ्रेंड्स ने खाए हैं, 7, और आपको पता है कि एक पिज़्ज़ा के अंदर 4 पार्ट्स होते हैं. अगर आप इसको इसी फॉर्म में लिख देते हैं कि न्यूमिरेटर 7, कलर्ड पार्ट 7 और टोटल पार्ट्स, यानी एक पिज़्ज़ा के अंदर 4 पार्ट्स हैं, इसी फॉर्म में लिखें, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाती है. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज दोज हूज न्यूमिरेटर इज़ बिगर एंड डिनोमिनेटर इज़ स्मॉलर नंबर. आप दोबारा ये डायग्राम वाली यहाँ पे आ जाएं जिसमें कम ये जो है मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो 1 whole 3/4 आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में. किस तरह करेंगे कि आप डिनोमिनेटर जो 4 है इसको होल नंबर 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 ones are 4, और उसके अंदर न्यूमिरेटर को ऐड कर दीजिए. आपके पास 7 आ जाएगा न्यूमिरेटर में और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 4. 7/4 इज़ एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. दोबारा जब आप इसको कन्वर्ट करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो 7 को अंदर रखिए और 4 पर डिवाइड कीजिए, तो फिर आपके पास आ जाएगा 1 whole 3/4. अब आप बाय एक्टिविटीज इसकी और प्रैक्टिस कर सकते हैं. राइट एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड अ मिक्स्ड नंबर फॉर द शेडेड पार्ट्स. आपके पास चेक कीजिए डायग्राम्स हैं, एक डायग्राम के 8 पार्ट्स हैं और 8 ही कलर्ड हैं. दिस मीन्स 8/8 मतलब 1. नेक्स्ट देखिए, उसके भी 8 पार्ट्स हैं और उसमें से 2 पार्ट्स कलर्ड हैं. तो आप बेटा इसको क्या लिखोगे? आप इसको लिखोगे 1 whole 2/8. और इम्प्रॉपर में क्या लिखोगे? आप 8 और कलरिंग पार्ट देखें, 8 के साथ 2 को प्लस करें 10, और डिनोमिनेटर वही रहना है. डिनोमिनेटर को कभी ऐड नहीं करना आपने. ये नहीं करना कि 8 में 8 प्लस करके 16 कर दो, ये गलती नहीं करनी है आपने. डिनोमिनेटर वही रहता है, डिनोमिनेटर 8 ही रहेगा और इसका न्यूमिरेटर आ जाएगा क्योंकि कलरिंग पार्ट 10 है, न्यूमिरेटर 10 आएगा. 10/8 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और 1 whole 2/8 जो है ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है. नेक्स्ट डायग्राम देखिए, एक रेक्टेंगल के 3 पार्ट्स हैं और तीनों ही कलर्ड हैं, दूसरी के 3 पार्ट्स हैं और 1 कलर्ड है. इसका मतलब है कि आप मिक्स्ड फॉर्म में लिखेंगे
एक के तीनों ही कलर हैं, इसका मतलब है थ्री इसका टोटल है और थ्री ही न्यूमिरेटर है, थ्री बाय थ्री वन, वन होल वन बाय थ्री, मिक्स्ड फॉर्म में आ जाएगा वन होल वन बाय थ्री। और उसका जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसमें आ जाएगा फोर बाय थ्री, कलर्ड पार्ट्स फोर एंड टोटल पार्ट्स थ्री। आप नंबर थ्री डायग्राम देखिए बेटा, पेंटागॉन, और उसके भी हर एक के फाइव फाइव पार्ट्स किए गए हैं। यहाँ पर एक पेंटागॉन के फाइव पार्ट्स हैं, फाइव में ही कलर है, दूसरे के भी फाइव हैं, फाइव में ही कलर है, टू होल थ्री बाय फाइव। अब तो आप समझ गए हैं, पहले से काफ़ी बेहतर आपका रिजल्ट आ रहा है, तो आप अच्छी तरह से इस लेसन को समझें। टू होल थ्री बाय फाइव, और मिक्स्ड फॉर्म में क्या आएगा, डिनोमिनेटर मैंने आपको बताया कि वही रहता है जो एक होल नंबर का है। तो आपने इसका देखा कि इसके टोटल कलर्स पास चेक कीजिए, एक में फाइव हैं, दूसरे में फाइव हैं टेन, एक में थ्री हैं थर्टीन, थर्टीन बाय फाइव इसका आ जाएगा जी, इम्प्रॉपर जो इसका फ्रैक्शन आएगी वो आ जाएगा थर्टीन बाय फाइव, और इसकी मिक्स्ड फ्रैक्शन में आ जाएगा टू होल थ्री बाय फाइव। इंशाल्लाह स्टूडेंट्स आप मोर प्रैक्टिस के साथ इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करेंगे और अच्छी वर्किंग करेंगे।